तो यहाँ पे स्टेटस ये देखो लगे थे जितने भी स्टेटस सारे स्टेटस आ गए। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ पारस और आप देख रहे हैं उन्नाव आई टी आर। दोस्तों इस वीडियो में आज जानेंगे कि व्हाट्सएप के 4 फीचर्स जो बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाली हैं ट्रिक्स, वो आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो देखते रहिए और इससे पहले मैं दावा करता हूँ कि आपको पता नहीं होगा ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जो पहला फीचर है, आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको जाना है व्हाट्सएप सेंड पे। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा करते हो जैसे कि मैंने कुछ सेंड किया, मैंने ये फ़ोटो सेंड की। ओके, ये फ़ोटो सेंड करने से पहले हमें यहाँ पे जो 1 दिख रहा है सेंड के बटन के ऑप्शन के पास में, तो यहाँ पे मैं इनको सेंड कर रहा हूँ, बस इस पर क्लिक करना है एक बार। होता क्या है, अगर मैं इनको सेंड कर दिया हूँ ये फ़ोटो इनके पास गई, वो देखेंगे यहाँ पे, एक बार ओपन करके व्यू आएगा, उसके बाद बैक करेंगे तो उनके पास फ़ोटो अपने आप डिलीट हो जाएगी, उनके पास दिखेगी नहीं, रवि के पास। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा फीचर लगा। और दूसरा जो है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट पे जाना है, अकाउंट प्राइवेसी में क्लिक करना है। उसके बाद प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीड रिसिप्ट पे शो कर रहा है, इफ टर्न ऑफ यू वुड नॉट सेंड और रिसीव रीड रिसिप्ट्स, रीड रिसिप्ट्स आर ऑलवेज सेंड और फॉर ग्रुप चैट। तो यहाँ पे अगर इसको डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भेजता है हमें मैसेज तो वो यहाँ पे जो ब्लू टिक डबल आ जाती है तो वो उसको सेंडर को नहीं दिखेगी, जो भेजने वाला होगा उसको नहीं दिखेगी कि उसने मैसेज सीन किया है, मेरा मैसेज देखा या नहीं देखा है। तो ये ट्रिक हो गई। और यहाँ पे आपको करना है, जैसे कि अब मैं व्हाट्सएप के स्टेटस की बात करता हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस जो भी लगे हुए हैं इनको मैं अगर डाउनलोड करके सेंड करना चाहता हूँ शेयर किसी के पास तो नहीं कर सकता, या ना दे उसकी बात है, और उससे बिना बताए भी आप सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो आपका स्टेटस है अच्छा लगा है। तो उसको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे बैक आना है और यहाँ पे अपने फाइल पे जाना है, जो आपकी फाइल है फाइल मैनेजर पे जाना है, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे आना है। व्हाट्सएप पे आने के बाद आपको मीडिया पे जाना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप स्टेटस का भी फोल्डर आएगा, और वो कैसे आएगा आप चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक किया उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शो हिडन फाइल्स आ गई, यहाँ पे शो कर देंगे हिडन फाइल्स। तो यहाँ पे स्टेटस ये देखो लगे थे जितने भी स्टेटस सारे स्टेटस आ गए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।